नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं किचन के बारे में। यहाँ हम आज 6x10 के एक किचन का वॉक थ्रू करेंगे और वहाँ हम किचन के सारे डिटेलिंग देखेंगे। वहाँ पे हम किचन के स्लैब के बारे में जानेंगे, किचन के छज्जे के बारे में जानेंगे और टाइल कैसे लगती हैं वो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों कितनी हाइट छोड़नी चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें देखेंगे और बहुत कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कि कैसे इस आपको किचन में अपने क्या क्या सुविधा रखने के लिए कैसे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बताने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों अब वॉक थ्रू करते हैं और किचन को देखते हैं। किचन को देखने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो हमारी ऐसे ही जो नॉलेजफुल सिविल साइंस से जुड़ी हुई वीडियो है वो आप तक आती रहेगी। चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो शुरू। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे हमसे और हमारे चैनल से दोस्तों और हमारे हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो पे आते हैं और शुरू करते हैं अपना वॉक थ्रू। दोस्तों जैसे कि आप ये किचन देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसका डोर से मैंने शुरू किया है ये वीडियो। आप देख सकते हैं इसका डोर है दोस्तों, ये एक ओपन किचन है इसमें और चाहे तो आप डोर लगा सकते हैं। मैं इन्होंने यहाँ पे चौकट लगा के क्लाइंट ने छोड़ रखा है, आप चाहे तो इसमें डोर लगा सकते हैं वरना ओपन भी रख सकते हैं। अब हम इसके किचन पे आते हैं धीरे धीरे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप किचन देख रहे हैं ये ऐसे आपको मिलेगा यहाँ पे 6 फुट और 6 फुट ये मतलब इस दीवार से दोस्तों इस दीवार तक ये मिलेगा आपको 6 फुट और वहाँ से उस दीवार से लेकर के आपको यहाँ लास्ट दीवार तक आपको मिलेगा ये 10 फुट दोस्तों। अब ये बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि सामने देख सकते हो दोस्तों विंडो है और विंडो से जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों वेंटिलेशन जरूरी है अपने किचन में, एक विंडो तो जरूरी है ही है और साथ में वेंटिलेशन जरूरी है दोस्तों। वेंटिलेशन इसलिए जरूरी है दोस्तों, एक साइंटिफिक रीजन भी है वेंटिलेशन देने का दोस्तों। और जैसे कि आप अपने घर में खाना पीना बनाते हो उसका गर्म हवा या गर्म छोंक है तो गर्म हवा हमेशा दोस्तों आपका ऊपर की तरफ, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है तो इसलिए वेंटिलेशन हमेशा ऊपर दिया जाता है दोस्तों, ऊपर दिया जाता है। और वेंटिलेशन ऊपर दिया जाता है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ से निकल सकती है दोस्तों। वहाँ उसमें एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाए दोस्तों वहाँ वेंटिलेशन पे। और चाहे तो आगे चल के आप चिमनी ये सब चीज़ें भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि आप टाइल पे आते हैं दोस्तों, टाइल का आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के नीचे से लेकर के दोस्तों, ये नीचे से लेकर के दोस्तों ये लगा हुआ है लिंटल लेवल तक टाइल लगी हुई है दोस्तों। ये मस्ट है दोस्तों, आप लिंटल लेवल तक लगा सकते हैं। नॉर्मली आप जो इसका हाइट होता है टाइल का आप 2 फुट तक और 2 फुट से ऊपर जितना लिंटल लेवल तक कम से कम आप लगा सकते हैं। और किचन का टाइल दोस्तों हमेशा एक लाइट कलर का रखिए जो कि आपके एक किचन को एक ब्रॉड लुक एक अच्छा लुक देगा। कई बार लोग किचन में करते क्या हैं कि कुछ डिज़ाइनिंग कुछ कप प्लेट्स की भी टाइल्स आती हैं उस हिसाब से वो टाइल्स भी लगवा लेते हैं तो वो चीज़ें भी अच्छी लगती हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो वो चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अपने बीच में, चाहे तो एक टाइल्स का रो जो है आप वो डिज़ाइनदार टाइल लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आ जाते हैं इस स्लैब के ऊपर जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं ये स्लैब आपका इस स्लैब की चौड़ाई जो है ये आपकी 2 फुट दी गई है जो कि दोस्तों एक मिनिमम है। इतनी चौड़ाई आपके इस स्लैब की होनी चाहिए और ये इतना इससे कम नहीं चल सकती है। और दोस्तों जब भी इस पे दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि ग्रेनाइट ही का पत्थर ही लगवाएं क्योंकि थोड़ा सा वो स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से जो इसमें थोड़ा बहुत खटर पटर होती है दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी बार जो गृहिणी होती है हमारे घर की वो अपना खाना बनाती है उसमें प्याज काटना उसमें बहुत सारे काम होते हैं घर के छोटा मोटा कुछ काटना है उठा पटक हो जाती है बर्तन गिरता है तो इस पे ग्रेनाइट काफ़ी मजबूत पत्थर स्टोन माना जाता है जिसके कारण से ग्रेनाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और आपका काम बहुत बेहतरीन ढंग से निकल जाता है। और दोस्तों ग्रेनाइट में आपका ये भी कहा जाता है कि ये जितना घिसेगा उतना चमकेगा। और हमेशा ध्यान रखें दोस्तों जब भी आप ग्रेनाइट लगवाएं तो उसके जो एजेस होते हैं उसको थोड़ा शार्प करवा लें, उसको थोड़ा सा ये जो यहाँ पे आप देखेंगे देख रहे हैं जैसे ये एज दोस्तों ये एज थोड़े से इसको मोल्ड कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों अगर आपको यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके हाथ में किधर चाहे गलती से लगे चाहे कैसे भी लगे यहाँ चोट नहीं लगेगी, इस कारण से कम चोट लगेगी। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे के बारे में।
इसके स्लैब के नीचे के बारे में दोस्तों। स्लैब के नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं ये जगह दोस्तों मिनिमम आप 2 फुट 3 इंच या 2 फुट 9 इंच आपकी होनी चाहिए दोस्तों। इसमें कई कारण है दोस्तों। पहला कारण ये है कि आपको सिलेंडर का हाइट होता है उसमें उसका हाइट जो होता है वो 2 फुट होता है, 2 फुट 1 इंच होता है। 2 फुट 1 इंच जब आपके सिलेंडर का हाइट होता है तो आपको सिलेंडर निकालने के लिए और नीचे इसके नीचे डालने के लिए आपको प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। तो इस कारण से आप चाहें तो जहाँ पर आप सिलेंडर स्पेशली जहाँ पर आप सिलेंडर रखते हैं वहाँ पे आप चाहें तो 2 इंच डाउन करवा करके और बाकी की जगह को 2 इंच अप रख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके नीचे स्लैब के नीचे यहाँ पे आप एक इंटीरियर वर्क, एक वुड का इंटीरियर वर्क भी करवा सकते हैं जो कि आपका बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे अगर आप वुड का इंटीरियर वर्क करवाते हैं स्लाइडिंग डोर्स में स्लाइडिंग खींच के जो स्लाइडिंग लगाने की कोशिश करते हैं लगा करके यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा, जो कि आप बर्तन रख रहे हैं और काफ़ी चीज़ों के काम आ सकता है वहाँ पे। अब इस साइड में आप सिलेंडर का रखने का बनवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये यहाँ पे डाउन है 2 इंच। आप यहाँ पे आप जब इसको नापेंगे तो ये आपका प्रॉपर 2 फुट 2 इंच 2 फुट 3 इंच इस नाम मिलेगा दोस्तों। मिनिमम है इसके नीचे 2 फुट 3 इंच आपका होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर आपका इससे कम हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इसमें भी कई कंडीशन है, अगर आपके घर में गृहिणी है और वो गृहिणी की हाइट जो है कंफर्टेबल के हिसाब से अगर आप ये स्लैब बना सकते हैं वहाँ पे दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो जो जगह जो आपका स्लैब है उस स्लैब को गृहिणी की हाइट के अनुसार रख सकते हैं। अगर हाइट उनकी अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तो इतना या फिर इससे ऊपर भी कर सकते हैं। हाँ, जब आपको नीचे करना पड़े तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपका सिलेंडर रखने वाली जगह है उस जगह को थोड़ा सा ऊँचा रख करके बाकी सब जगह आप थोड़ा सा नीचा कर सकते हैं। वहाँ तो जगह आपको नीचे देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको वो ओपन में आ जाएगा जो कि दिखने में काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आप ये स्लैब देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्लैब में यहाँ पे एक छेद किया गया है। अभी छेद क्यों किया गया है, ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए अपनी वीडियो में सारी डिटेलिंग सर आपको यहाँ बताने आया हूँ। ये छेद यहाँ पे इसलिए किया गया है कि जब भी आप यहाँ पे अपना गैस का उसका रखेंगे स्लैब जब आपका चूल्हा रखेंगे आप, तो उसका जो पाइप होती है, जब सिलेंडर आप यूज़ करते हैं, अगर सिलेंडर पे आपके आसपास आते हैं सिलेंडर, तो उसमें से पाइप लगती है दोस्तों। वो पाइप आपका यहाँ पे आपका रह जाएगा, जो कि अंदर अंदर चला जाएगा दोस्तों, अंदर अंदर चला जाएगा और लुक आपका खराब नहीं करेगा किचन को। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिंक के पास। सिंक आपका परफेक्टली देख रहे हैं दोस्तों कैसे बना हुआ है। आजकल टाइम आ गया है स्टील का सिंक का, या आप यहाँ पे स्टील का सिंक यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पुराना ओल्ड फैशन हो गया है मिट्टी का सिंक लगवाना, ये कुछ पुराने भी हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कहीं पे अगर आप ज़्यादा पैसा अच्छा खर्च कर सकते हैं तो अच्छी ब्रांड का मिट्टी का सिंक भी लगा सकते हैं, जो कि आपके टाइल के साथ मैच करके एक अच्छा लुक देता है। अब बात करते हैं इसके नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, हमेशा जब भी आपका सिंक के नीचे का जो ये पत्थर लगा हुआ होगा, ये आपका डाउन होगा नॉर्मल फर्श से। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये डाउन है थोड़ा सा। अब इसमें भी ये डाउन रखने के बावजूद जो यहाँ पे सिंक के एरिया का 1x1 का एरिया है, ये थोड़ा सा और डाउन कर दिया गया है। जब भी पानी डालें तो इसमें पानी डालें तो सीधा ही ये बह करके नीचे चला जाए। तो यहाँ पे जब ये डाउन एरिया होगा तो जब भी इसमें पानी डलेगा तो ये आराम से यहाँ से नीचे चला जाएगा। अब इसमें कई सारी छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ मिस कर जाऊँ दोस्तों, तो वो मुझे जरूर बताएं। अब यहाँ आ जाते हैं इसके ऊपर। जब अब आप किचन में के फर्श के ऊपर और किचन के फर्श में आप पत्थर लगाएं या फिर आप टाइल लगाएं, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके पत्थर ही लगवाएं। चाहे आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हो थोड़े कम हो, पर किचन में कोशिश कीजिए कि आप पत्थर ही लगवाएं। और इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि किचन में होता क्या है कि आप सिलेंडर हो गया, कुछ भी है सिलेंडर हो गया, इस हैवी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसे माइक्रोवेव हो गया, सिलेंडर हो गया, इस हिसाब से जो भी है अगर आप उसको अंदर बाहर करते हैं, वो करना ही पड़ता है आगे चल के, तो अगर वो आगे आपका टाइल जो है थोड़ा नाजुक होता है वो टूट सकता है। टूटने के बाद दोस्तों आपका टाइल जो है बहुत ऑकवर्ड, बहुत खराब दिखाई देता है और बहुत खराब दिखाई देता है दोस्तों, बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए पत्थर जो होता है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, पत्थर में एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है जिस कारण से वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा
दिखाई देता है। अब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताइएगा दोस्तों वीडियो कमेंट में लिख करके कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइए। मैंने आई थिंक इसमें सब कुछ कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और मैं उसके बारे में आपको सब कुछ क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि मैं बताया कि आप यहाँ इंटरव्यू करवा सकते हैं, इंटरव्यू करवाने के लिए आप स्लैब के ऊपर भी हम यहाँ पे हमने इनफ हाइट छोड़ी है, यहाँ पे भी आप एक इंटीरियर वर्क करवा सकते हैं, जैसे इस छज्जे के नीचे का इंटरव्यू करवा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे आप चिमनी भी लगवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चूल्हा आपने जिस तरह रखा, आपने इस साइड रखा तो चिमनी भी लगवा सकते हैं। और इन सभी से मस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपके पास जगह है तो खिड़की और एग्जॉस्ट, ये एक मस्ट है जो कि आप अच्छी जगह पे छोड़ें और यह एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं। ठीक दोस्तों, वीडियो करते हैं खत्म समाप्त और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, वीडियो के बारे में बताएं, अपनी राय दें, वीडियो कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत। वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हम मिलेंगे फिर कल।